What's up guys, I'm Hina Raheja and welcome back to my channel. Oh, especially जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा वेलकम. देखो जी, बात ऐसी है, अभी लास्ट मंथ यानी कि अक्टूबर 2020 में मैंने एक कर्नाटका में सोलो रोड ट्रिप किया अपनी पोगो पे. पोगो मतलब मेरी कार पे. एंड इस रोड ट्रिप के दौरान मैंने बहुत सारी प्यारी प्यारी ऑफ बीट अनएक्सप्लोर्ड जगहें भी कवर करी. कर्नाटका इज अ स्टेट इन साउथ वेस्ट इंडिया विद अरेबियन सी कोस्ट लाइन्स एंड इट्स काइंड ऑफ एन अनडिस्कवर्ड प्लेस व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल टूरिज्म. दैट्स प्रीटी स्ट्रेंज. कर्नाटका इज प्रोबेबली वन प्लेस वेर यू विल गेट एवरी एलिमेंट ऑफ ट्रैवल. टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क्स, रिवर्स, ओशियंस, हिल्स, हिस्ट्री एंड वॉट नॉट. जो लोग यहाँ पर नए हैं तो उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अभी मैं अपनी ट्रैवल सीरीज पर काम कर रही हूँ जिसका नाम है नमस्ते कर्नाटका. एंड एज अ पार्ट ऑफ दैट आई एम एक्सप्लोरिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट. 8 दिन का ये रोड ट्रिप भी उसी ट्रैवल सीरीज का ही एक हिस्सा है जिसमें आई स्पेंट अप्रॉक्स 16,000 रुपीज एंड कवर्ड मल्टीपल प्लेसेस. तो आगे आने वाले जो भी ब्लॉग्स हैं उसमें तुम्हें सारी जानकारी मिलेगी बहुत ही डिटेल में. तो स्टे ट्यून्ड ऑलरेडी एंड लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड मूव फर्दर टुवर्ड्स day 1 एंड day 2 ऑफ माई ट्रिप. फर्स्ट टाइम एवर आई हैव प्लान्ड दिस रोड ट्रिप ऑल टू माई सेल्फ. आई एम गोइंग अलोन एंड इट्स फॉर 12 to 15 days. सो प्लान क्या है, कैसे है, कब जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, वो सब मैं तुम्हारे साथ रेगुलर शेयर करती रहूँगी. एंड दिस इज द होल आइडिया स्टार्टिंग फ्रॉम द पैकिंग विच इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो दिखाती हूँ मैं तुम्हें. सो हियर आई हैव मेड द पाइल्स ऑफ क्लोथ्स. इन सबको बस रोल करके अब इनके अंदर डालना है. एंड एक शू काफ़ी है. सो मैंने ये एक्स्ट्रा बैग भी कुछ कुछ उठा लिए. सो दिस इज़ द बैकपैक, गोप्रो के साथ आया था ये. एंड दिस इज़ द वाटरप्रूफ 10 लीटर का डीकैथलॉन से मिलता है ये छोटा सा बैकपैक. इमरजेंसी में काम आ सकते हैं ये. एंड दिस इज़ द स्मॉल कपड़े का हैंडबैग. ट्राइपॉड गिम्बल, सेल्फी स्टिक, गोप्रो के सारे स्टिक्स. एंड सो दिस बॉक्स आई यूज़ टू कीप ऑल माई वायर्स, चार्जर्स एंड एवरीथिंग. दिस इज़ द स्लिंग बैग, अगेन वेरी मच रिक्वायर्ड. दिस इज़ द कैंप. I don't know if I'll be able to do camping or not, but I'm just taking it for the safer side. Speaker, इसके अंदर भी रेनकोट है. काफ़ी वीडियोस में मैंने पहले भी शेयर किया, तुम्हें पता ही होगा. दिस इज़ द हैट, अगैन बीच के लिए रिक्वायर्ड है. ये स्मार्ट वॉच, इसके अंदर GoPro के सारे अमाउंट्स हैं. एंड दिस इज़ अगैन वन मोर एक्स्ट्रा बैग. इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी जब आप इधर उधर जाते हो डे हाइक वगैरह के लिए या कहीं पर भी ऐसे ट्रैवल करने के लिए. दिस इज़ वन मोर रेनकोट. ये आई डोंट नो इफ आई विल बी टेकिंग दिस नॉट, क्योंकि वो राउंड वाला ले लिया मैंने. दीज आर टू बेल्ट्स दैट आई एम टेकिंग. दिस इज़ वन हेडबैंड. दिस इज़ द टॉयलेटरी किट. इसके अंदर ज़्यादा तो नहीं दिखाऊंगी, बट हाँ ये कुछ कुछ ज़रूरत की चीज़ें सारी रख ली हैं. देन ये सब कपड़े हैं, ये तुम आने वाले वीडियोज़ में मुझे पहने हुए देख लोगे तो यहाँ ज़रूरत नहीं है दिखाने की. सो या दैट्स ऑल. अब इसके अलावा मुझे बस एक दो फुटवेयर्स और उठाने हैं. That's it. Basically, I use these packing cubes to pack my clothes. इसमें ना काफ़ी सारे sizes आते हैं. And majorly, these 3 are used. This is the biggest, then this and then this. It's going to be a 12 to 15 day road trip. इसलिए मैंने सामान थोड़ा सा extra ही pack किया. वैसे भी usually भी मेरी आदत ही है 200% pack करने की. And इस बार भी मैंने वही किया. लेकिन पता भी नहीं चलता, कई बार आपको इमरजेंसी में कपड़े ज़्यादा भी चाहिए हो सकते हैं. और एक्चुअली दूसरा एडवांटेज है कि मैं अपनी पोगो से जा रही हूँ तो मेरे पास स्पेस की कोई कमी नहीं है, इसलिए आई डोंट रियली माइंड टेकिंग एक्स्ट्रा लगेज विद मी. आई एम नॉट टेकिंग सूटकेस दिस टाइम बट दिस बैग, बिकॉज अगर बड़ा सूटकेस लेकर जाओ विच इज़ दिस वन, तो यार पोगो का ना पूरा डिग्गी तो इसी से ही भर जाती है. इसलिए आई एम नॉट टेकिंग दिस वन दिस टाइम. आई एम जस्ट टेकिंग दिस बैग. ट्राई करते हैं कि इसमें सामान पूरा आता है या नहीं आता. Let's do it. We'll make a way. Look up to the sky to the brighter days. In our hearts there is a revolution. Soon there will no longer. A few moments later. What's up guys? मैंने तुम्हें बताया था इस बारी में जा रही हूँ अपनी पोगो में. एंड पोगो के साथ साथ आई गेस आई एम टेकिंग माई साइकिल ऑल्सो.
दिस इज द स्टैंड, ये साथ साथ कुछ तो रहना है, आई एम जस्ट रीडिंग इट्स मैनुअल। घर पे ट्राई किया था वो साइकिल स्टैंड तो नहीं लगा देना, आई केम टू दिस स्टोर साइकिल वर्ल्ड इफ यू कैन सी बिहाइंड मी, एंड ये भैया लोग लगा रहे हैं अभी स्टैंड, इनको सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगे एक्चुअली ये लगाने में। स्टार्टिंग फ्रॉम बैंगलोर, ड्राइविंग सिंस 7:30, काफ़ी अमेजिंग हाईवेज एंड रोड्स एंड यू नो अलग ही लेवल फील आ रही थी। आई जस्ट स्टॉप एट अ पंप। पहले मैंने सोचा था कि डेस्टिनेशन होगी शिमोगा, वहाँ जाके कोई होम स्टे देखेंगे ढूंढेंगे एंड वहीं रुकूंगी मैं, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि नहीं, अभी हिम्मत है गाड़ी चलाने की तो आज शाम तक गाड़ी चलाते हैं जितनी हो सकती है एंड फिर कोई डेस्टिनेशन ढूंढते हैं। सो डेस्टिनेशन अभी भी ऐसे फाइनल नहीं है, मुझे नहीं पता, बट मेरा ये प्लान है कि जहाँ तक मेरी हिम्मत होगी मैं गाड़ी चलाऊँगी एंड वहाँ पर जाके कोई आस पास होम स्टे ढूंढूंगी एंड वहाँ पर रुकेंगे आज। पहुँचते ही मैं सो गई एंड उठने के बाद ना आई ऑर्डर्ड वन चाय, लेकिन वो दी उन्होंने छोटे से कप में, अपना उससे कुछ बना नहीं। फिर मैंने उनको 2 कप और बोले और 1 पकौड़ों की प्लेट बोली और ये ब्रेड मैं साथ लेकर आई थी। जुगाड़ तुम देख रहे हो, और अपने को चाहिए एकदम पंजाबी हिसाब से सामान। और पूल साइड पर चल रही है मज़ेदार चाय, सामने लोग चिल कर रहे हैं एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू स्टे एक्चुअली। इसकी सारी डिटेल्स आई विल शेयर विद यू। Just came to have food. So here we have rice wali roti. If you can see, बाकी सारा यार साउथ इंडियन सामान है, थोड़ा बहुत मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आई डोंट नो वॉट इज दिस एग्जैक्टली। हेयर इज दिस चटनी, रसम, ये भी कुछ तो ऐसे सही लग रहा है यार, ये मेरे को ज़्यादा नाम नहीं पता एग्जैक्टली इन सभी चीज़ों के। Now we have the sweet dish. Then we have raita and rice. This is the food for the day. इसको pool side पे लेके चलते हैं, वहीं खाएं। Good morning, guys. Today is technically my day 2 here on this road trip series and currently I'm at this Muthuga homestay cum resort which is near Jog Falls and if you can see behind me it's a beautiful location. Today I'm going to Apsarkonda waterfall and Jog Falls jiski sari details main tumhe upcoming vlogs mein batane wali hu and this vlog was basically all about preparation for the long trip and how randomly I landed up here and got this beautiful stay in just 1,000 rupees. इस जगह की सारी डिटेल्स आई हैव पुट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट एंड डेफिनेटली फिर प्लानिंग टू कम फॉर अ ऑफ बीट स्टे विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल लाइक दिस, तो इट्स देयर। इट्स ऑलमोस्ट 8 hours ड्राइव फ्रॉम बैंगलोर एंड आई एम जेन्युइनली स्ट्रेसिंग दिस, नॉट अ प्रमोशनल पोस्ट। ये पूरी जर्नी मैं डॉक्यूमेंट करूँगी एंड मैं तुम्हें बताती रहूँगी क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ पहुँची, बिकॉज दिस इज़ वेरी रैंडम। आई हैवन्ट प्लान एनीथिंग फॉर दिस जर्नी, तो जो भी होगा वो सब बहुत ही रैंडम होगा एंड तुम लोग प्लीज़ साथ जुड़े रहो, देखते रहो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है एंड यप आई विल टेक यू अराउंड वर्चुअली विद मी। डे 1 मैंने ऑलमोस्ट 415 किलोमीटर ड्राइव करी एंड आई लैंडेड अप एट दिस प्लेस, और यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े इनके खुद के फार्म्स हैं इफ़ यू कैन सी बिहाइंड मी। और जितने भी मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं यहाँ पर इस ट्रिप पर वो मैं सारे यहाँ नीचे तुम्हें बताती रहूँगी वीडियो में, ताकि इन केस यू प्लान योर ट्रिप तो दिस विल हेल्प यू फॉर श्योर। आई टुक द कम्प्लीट राउंड ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल। मेरे पीछे भी एक कॉटेज है, अंदर तो लॉक है इसलिए आई कैन नॉट गो, बट यप इट्स अ ब्यूटिफुल नाइस प्लेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कॉमेंट में बताना मुझे कैसी लगी एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल अगर अभी तक नहीं किया हुआ तो, बिकॉज जैसे जैसे बहुत ही क्रेजी रोड ट्रिप्स अगर ये सक्सेसफुल हो तो आगे और भी होंगे एंड कर्नाटका के बहुत ही अलग और ऑफ बीट चीज़ों के दर्शन मैं तुम्हें कराऊंगी नमस्ते कर्नाटका सीरीज में। तो या स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। करते हैं यार
डे टू की नमस्ते कर्नाटका रोड ट्रिप की। चलो जी